फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक माइंड पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ और मेरा ये वीडियो है दोस्तों कि हम लोग अपलोडेड वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से कैसे डिलीट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बिना ज़्यादा समय लिए बिना ही मैं ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि नया नया मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए, मैं इसी के साथ शुरुआत करता हूँ दोस्तों। ये जो भी हमको अपलोडेड वीडियो है उसको अगर यूट्यूब चैनल के थ्रू डिलीट करना है, यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उसको डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमको इसके लिए मैं क्रोम पे चलता हूँ, गूगल क्रोम पे चलना है, कोई भी सर्च इंजन पे चलना है। इसके लिए हमको सबसे पहले टाइप करना है दोस्तों youtube.com। जैसे मैंने youtube.com यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद गो करना है। जैसे मैं यहाँ पर गो गया दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में इस पर ट्रिपल जो डॉट होगा इसी पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही मैं ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पर डेस्क टॉप साइड दिया हुआ है, एक्चुअली मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। डेस्क टॉप साइड जैसे ही क्लिक किए, हम लोगों को ये दूसरा पेज ओपन होने लगा है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जाना है राइट साइड पे ही, हमारे जो चैनल है उस लोगो पे क्लिक करना रहेगा। इस लोगो पे मैं थोड़ा इसको जूम करके, जैसे ही मैं लोगो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दिखाएगा यूअर चैनल। यूअर चैनल पे जाना है दोस्तों। यूअर चैनल पे जैसे ही मैं गया दोस्तों, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमको कस्टोमाइज चैनल पे जाना है। कस्टोमाइज चैनल पे जैसे गए, देखिए दोस्तों मेरा प्रोफाइल इस पे दिखाने लगा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ दिया हुआ है, अगर लेफ्ट साइड से अपन बात करें तो यूट्यूब दिया हुआ है, नीचे में सब्सक्राइबर कितने या व्यू कितने और यह वीडियो मैनेजर है। तो सबसे पहले हमको वीडियो मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग वीडियो मैनेजर क्लिक किए, ये पेज ओपन होने लगा है। जैसे पेज ओपन हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, और मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिएगा यहाँ चैनल वीडियोस करके आ रहा है और नीचे में ब्लू पे जो लिखा हुआ है अपलोड है और लाइव है। तो हमको सबसे पहले यहाँ अपलोड साइड पे देखना है कि यहाँ पर ऐसा ब्रेकेट दिया हुआ है, जो स्क्वायर टाइप में ब्रेकेट दिया है। तो जो मैं वीडियो को डिलीट करना चाहूँगा दोस्तों, वहाँ पर उस वीडियो के सामने राइट क्लिक कर देना है। और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड टू प्लेलिस्ट ऑप्शन दिया है और मोर एक्शन दिया हुआ है। तो हमको मोर एक्शन पे जाना है। मोर एक्शन पे जैसे ही मैं गया दोस्तों, यहाँ पर डिलीट फॉर ईवर दिया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट फॉर ईवर करता हूँ। अब यहाँ पर डिलीट फॉर ईवर के नीचे में दिखा रहा है वन वीडियो इज़ अबाउट टू बी डिलीटेड। यहाँ नीचे में दिखा रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट डिलीटिंग इज़ परमानेंट एंड कैंट बी अनडन, तो इस पे मेरे को क्लिक करना है। जैसे इसको मैं क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर देखो कैंसिल का दिखा रहा है और डिलीट फॉर ईवर, तो हमको डिलीट फॉर ईवर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं डिलीट फॉर ईवर पे क्लिक किया दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो है डिलीटिंग जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है डिलीटिंग वीडियो वाइल यू वेट यू कैन करके, आगे एक वीडियो आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से इस फाइल से डिलीट हो गया है, इस अपलोडेड सिस्टम से डिलीट हो गया है। और तो दोस्तों, आप भी अपना जो वीडियो जो है डिलीट करना चाहे उसको इस प्रोसेस के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं एक नया वीडियो और आपके सामने लेने के आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ एंड थैंक यू दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप देखें उसके लिए।